आजकल लगभग हर जगह शेयर मार्केट की चर्चा है। शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है। स्टॉक मार्केट के मैं हमेशा शेयर मार्केट को सुनता हुआ आ रहा था, देखता हुआ आ रहा था। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है। हर्षद मेहता, राकेश झुनझुनवाला एंड वॉरेन बफेट, ये कुछ बड़े एग्जांपल्स हैं जिन्हें शेयर मार्केट ने रातों रात अमीर या कहिए काफी ज्यादा अमीर बना दिया। वॉरेन बफेट आज भी सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 10 के अंदर हैं। राकेश झुनझुनवाला जी की जब डेथ हुई तब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में ये 438th नंबर पर थे। खैर, इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ। शेयर मार्केट क्या है, आखिर शेयर मार्केट में लोग अपना पैसा क्यों लगाते हैं, ये काम कैसे करता है, एंड लास्टली मैं इसकी डार्क रियलिटी भी बताने वाला हूँ। और ये 4th पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि शेयर मार्केट में भी कई लोग फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं। बाय द वे, इस चैनल पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है वो भी शेयर मार्केट को समझ सके। अब ये कुछ वर्ड्स हिंदी में ट्रांसलेट किए गए हैं जो कि अभी वीडियो में आगे आएंगे, चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज, शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट ना देखो और बाजारों की तरह एक बाजार है। देखो, जिस तरह सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदी जाती है बेची जाती है, इसी तरह शेयर मार्केट भी एक मार्केट है जिसमें शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। यहाँ पर भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं, मोल भाव होता है। जैसे कि मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव दिखाता हूँ। अब देखो, ये लोग अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, इन्होंने अपनी प्राइस फिक्स की हुई है, और यहाँ पर ये लोग शेयर्स खरीदना चाहते हैं और इन्होंने अपनी प्राइस सेट की हुई है, और ये प्राइसेस ऊपर नीचे चलती रहती है, मार्केट इसी तरह रन करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, आखिर लोग शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में क्यों आती है। अब मान लो कि एक कंपनी है जो काफी अच्छा मार्केट में काम कर रही है, अच्छे खासे प्रॉफिट से निकाल रही है, और कंपनी की ग्रोथ देखते हुए कंपनी चाहती है कि इसे और ज्यादा फैलाया जाए, अपने काम को और ज्यादा बढ़ाया जाए। अब ऐसे में कंपनी को जरूरत होती है पैसों की। इसके लिए ज्यादातर कंपनीज क्या करती है कि अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लेकर आती है और लॉन्च करती है आईपीओ। और यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि कंपनी सिर्फ एक बार आईपीओ लॉन्च करती है, रोजाना कंपनी अपने शेयर्स नहीं बेचती। अब ये जो शेयर्स बाय और सेल हो रहे हैं ये लोग आपस में कर रहे हैं। किस तरह से हम अच्छे शेयर्स ढूंढ सकते हैं, इसके ऊपर अभी आगे वीडियोस आने वाली है। अब देखो, कंपनी आईपीओ लेकर आई, लोगों ने उस आईपीओ को खरीदा, उसमें हिस्सेदारी ली, और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई चाहे तो सिर्फ एक शेयर भी खरीद सकता है, और अगर आप किसी भी कंपनी का एक शेयर भी खरीदते हो तो आप सीधे सीधे उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो, भले ही छोटे लेवल पर हो। पर ये पावर है शेयर मार्केट की कि आप किसी भी कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हो, और अब कंपनी को चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, उसमें आपकी पूरी हिस्सेदारी रहेगी। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, आपने जितने पैसे उस कंपनी में लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग, और अगर यहाँ पर कंपनी को लॉस होता है तो आपको भी लॉस होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें कुछ अच्छी कंपनियां सिलेक्ट करनी होती है, जिसके लिए रिसर्च डेफिनेटली जरूरी है। आंख बंद करके मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप शेयर मार्केट में आओ। फॉर एग्जाम्पल, ये काइनेज टेक्नोलॉजी को देखो, इसने 1.01% की ग्रोथ की है। तो अब आप देखो कि इस पोर्टफोलियो में भी काइनेज के शेयर के ऊपर 1.01% का प्रॉफिट ये दिखा रहा है। और अब देखो, इस भाई ने कुछ शेयर जोमेटो के भी लिए हुए हैं, आज 1.96% की गिरावट यहाँ पर आई हुई है, एंड पोर्टफोलियो में भी आप देख सकते हो कि 1.96% का लॉस हुआ है। तो ये सब मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ओवरऑल ये है कि आपके शेयर परचेज करने के बाद कंपनी की ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी, अब क्योंकि आप कंपनी के पार्टनर बन चुके हो तो कंपनी अगर 10% ग्रोथ करती है तब आपको भी आपके कैपिटल के ऊपर, यानी जितने भी शेयर्स आपने कंपनी के लिए हुए हैं, जितना भी पैसा आपने लगाया है उसके ऊपर उतना ही परसेंट का प्रॉफिट दिया जाएगा। और इसी तरह अगर लॉस होता है तो उतना ही परसेंट लॉस आपको भी झेलना पड़ेगा। और देखो, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते शेयर मार्केट में, रिसर्च वगैरह नहीं कर सकते, तो फिर एक और अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का। इसके ऊपर देखो वैसे अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर, फिलहाल मैं इसकी बात नहीं करूंगा। ओके, अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करता है। देखो, 1875 में इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ओपन हुआ था बॉम्बे में, इसलिए इसे कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और पहले ना लोगों को यहाँ पर जाके स्टॉक्स या शेयर से परचेज करने होते थे, बाय सेल का प्रोसेस यहीं पर हुआ करता था। पर पिछले कुछ सालों से ये डिजिटल हो चुका है और अब कोई भी घर बैठे अपने फोन से शेयर से परचेज कर सकता है। देखो, इंडिया में आज की डेट में दो मार्केट हैं जहाँ से शेयर से खरीदे या बेचे जाते हैं, बीएससी एंड एनएससी। पर यहाँ से ना देखो डायरेक्टली आप शेयर से खरीद नहीं सकते, इसके लिए जरूरत होती है ब्रोकर की। और आज की डेट में ये कुछ ब्रोकर्स हैं जिनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, एंजल वन, जीरोदा, ग्रो, और भी कई सारे एप्लीकेशन हैं। अब देखो कौन सा एप्लीकेशन ज्यादा बेस्ट है, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। साथ में अकाउंट कैसे खोलना है, किसी भी एप्लीकेशन को चलाना कैसे है, इस पर भी अलग वीडियोस बनी हुई है। और दोस्तों, अगर आप एंजल वन, ग्रो या किसी भी और एप्लीकेशन पर अकाउंट बनाने की सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, प्ले स्टोर के ऑफिशियल लिंक्स हैं, आप यहां से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो।
अब देखो कोई भी शेयर परचेज करने के लिए इनमें से किसी ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद इजिली शेयर परचेज कर सकते हो, बेच सकते हो। पर देखो हर कंपनी यहाँ पर लिस्ट नहीं होती, ये चीजें जरा याद रखना। सिर्फ वही कंपनियां यहाँ पर लिस्ट होती हैं जिनको पैसों की जरूरत होती है, वही शेयर मार्केट में अपनी कंपनी लिस्ट करवाती है। अदरवाइज बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, इंडिविजुअली वो अपना काम कर रही है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो शेयर मार्केट की ना सिर्फ चकाचौंध दिखाते हैं। पर एक चीज याद रखना दोस्त, जो चीज ज्यादा चमकीली होती है अक्सर वो फेक होती है। अब देखो पूरे वर्ल्ड के डाटा पर नजर डाली जाए तो फाइनेंशियल लिटरेसी रेट में इंडिया काफी पीछे है। अब क्योंकि देखो लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है इस चीज को लेकर, इसलिए यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसीलिए सेबी पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा सख्त हो चुका है, स्पेशली यूट्यूबर्स के ऊपर या हम कहें इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। इसीलिए दोस्तों आपके पास सही नॉलेज होना जरूरी है अगर शेयर मार्केट में आने की सोच रहे हो। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। वैसे ये जो फ्रॉड से कर रहे हैं लोग, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। आप कमेंट करके बताना कि बनानी चाहिए या नहीं। अब देखो एक चीज और अच्छे से समझ लो, शेयर मार्केट में डेफिनेटली अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये MRF का शेयर देखो, 2002 में जब ये लिस्ट हुआ था इसकी प्राइस थी 837 रुपीज, जो आज 1,34,000 हो चुकी है, और अभी कुछ दिन पहले ही 1,50,000 भी हो चुकी थी। अब मान लो किसी ने 2002 में ना लेकर इसे 2014-2015 में लिया होता, तब इसकी प्राइस थी लगभग 33,000 रुपए। ये एक शेयर की प्राइस में बता रहा हूँ। अगर किसी ने 33,000 में भी लिया होता तो इसकी प्राइस अभी 1,50,000 के करीब हो चुकी है। 14,000% का रिटर्न इसने दिया है। वैसे ये शेयर की प्राइस देखकर डरने की जरूरत नहीं है, ये सबसे महंगे शेयर्स में से एक शेयर मैंने आपको बताया है। बाकी कुछ शेयर्स 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए में भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको इसकी चमक तो दिखा दी कि शेयर मार्केट से कितना पैसा बनाया जा सकता है, पर यहीं पर कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि डूब चुकी है। फॉर एग्जाम्पल देखो वोडाफोन आइडिया तो आप वो जानते ही हो, 2007 में ये लिस्ट हुई, लगभग 70 रुपए प्राइस है। इसके बाद काफी अपडाउन होती है एंड 2015 में कंपनी बूम पर होती है, बट उसके बाद अब देखो इसके शेयर्स की क्या हालत है, 2 रुपए 3 रुपए तक भी इसके शेयर्स जा चुके हैं। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसी कई कंपनियां हैं जो काफी घाटे में चल रही है और कई तो बंद हो चुकी है जिनका डाटा मैं आपको अभी दिखा भी नहीं सकता। तो शेयर मार्केट से पैसा कमाया भी जा सकता है और गवाया भी जा सकता है, इसलिए संभल कर। अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि शेयर को महीनों तक या सालों तक ही रखा जाए, एक दो दिन में भी बेचा जा सकता है। इसके अलावा एक ट्रेडिंग का भी ऑप्शन है, काफी लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। अब ट्रेडिंग क्या है इस पर एक अलग लंबी वीडियो बन सकती है, पर कई लोगों का मानना है कि ट्रेडिंग इज अ गैम्बलिंग, एंड मैं इस ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। कुछ इस तरह से कॉल एंड पुट के ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन चेन के अंदर लोग कॉल एंड पुट बाय करते हैं और लोग शॉर्ट टाइम में जल्दी अमीर बनने की कोशिश में लग जाते हैं, और सबसे ज्यादा लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा यहीं पर गंवाते हैं। अराउंड 90% लोग ट्रेडिंग के अंदर पैसा गवा देते हैं, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। और यहाँ पर ना देखो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ अपना कोर्स सेल करने में लगे हुए हैं, महंगे महंगे कोर्स बनाकर बेच रहे हैं। और बहुत से लोगों के कोर्स तो ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, काफी बेसिक सी नॉलेज दी हुई होती है। एक दो लोगों के कोर्स हमने खुद देखे हैं, इसके अलावा लोगों के रिव्यूज भी देख सकते हो, क्योंकि देखो कोर्स बेचकर बहुत मोटा पैसा बनाया जा सकता है। इस वजह से ये लोग कोर्स बेचने में लग जाते हैं, जबकि वही नॉलेज या उससे भी थोड़ी बेटर नॉलेज आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाती है। सैकड़ों क्रिएटर्स हैं हमारी तरह। लास्टली सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई कोर्स परचेज करना है या नहीं करना, ये सोच समझ कर डिसीजन लेना, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करना। आई होप शेयर मार्केट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स नीचे है, आपस में भी एक दूसरे की कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। और बाकी फिर हम तो बैठे ही हैं। और दोस्तों शेयर मार्केट के ऊपर और भी कई वीडियोस आने वाली है, और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आप अपने पैसे सही जगह पर लगाएं, बिकॉज आई नो पैसे पेड़ पर नहीं उगते।